Let us assume that n number of photons will be strikes with this mirror, reflection coefficient R1, this is the reflection coefficient R2. So this will reflect, look like this. And let us assume that this is the start point, this is the destination point. So this total time is known as one trip time, right? So this is length is L. So total length in one trip is equal to L plus L by 2 plus L by 2. That is 2L. This is L, this is L by 2, this is L by 2. Okay. Now let us assume that due to the continuous bombardment of this photon, continuous bombardment, the gain of system is G. But due to the some impurity, there is a loss. So if gain is G, alpha is the attenuation. So net gain of the system is G minus alpha. Okay. Now let us assume that the entire system is in steady state. Kyun? To maintain the coherency, entire system is in steady state only when net photon generation in one trip is equal to e to power g minus alpha. Y e to power g alpha, exponentially gain is exponentially increases into length is 2L into reflection coefficient. Kya hai beto hamara yahan pe R1 and R2, right? So for steady state condition, our actual value e to power g minus alpha 2L R1 R2 is equal to 1, right? And this is the condition of sustained oscillation. Ab theek hai Akansha? Yahan tak? Yes sir. Okay, so I have again repeated through you because I just forgotten to the record. Okay, now no issue. Now, after the consideration of phase, right? So no issue. यदि मैं phase का consideration करता हूँ, तो last class में मैंने बताया था. So let us assume that this is L. चैम्बर का लेंथ एल है, ये लेटर सुन मैंने इसको अभी भरा हुआ है. सो मैंने बताया था वन अदर साइंटिस्ट केम एंड दे हैव आस्क्ड व्हाई यू आर नॉट कंसीडर द फेज. सो लेट अस अज्यूम दैट हियर द फेज कांस्टेंट बीटा, दिस इज द प्लस पाई, दिस इज माइनस पाई. तो क्या कंसीडरेशन क्या था, क्या बोला क्या उसने कि आपने सब कुछ तो सही किया, बट हियर वन वे फोटोन लुक लाइक दिस, वन अदर वे फोटोन लुक लाइक दिस. So if you not consider the phase, then this will be cancelled. So resultant photon is zero. So why you have not considered the phase? So now here we are going to consider the phase condition. Okay. So phase condition करने के बाद लिख लीजिए beta with the consideration of phase, beta is equal to 2 pi by lambda, okay, into n effective. एन इफेक्टिव क्या है लिख लीजिए. इन दिस कंडीशन वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, राइट? तो मैंने एक बार और बताया था, जब मटेरियल डिस्पर्शन लेते हैं उसमें फेज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एन लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहां पे जो एन इफेक्टिव है बेटा वो है मोड्स, लिख लीजिए मोड्स. तो फॉर टू कंसिडर द फेज वी विल राइट बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा is equal to n effective. वैसे क्या होता है कंचा, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मैंने प्रूफ किया था, याद है आपको? यस सर. सर जो फेज होता है पैरेलल एक लैम्डा मॉडल में है ना, याद है पैरेलल रेज मॉडल में ये ऐसा दोनों का 2 पाई होता है.
तो होता है 2π/λ, बट यहाँ पे मैंने एक बार जब मटेरियल डिस्पर्शन लिया था तो मैंने एन इफेक्टिव का इंडेक्स का डिफरेंस लिया, ये एन इफेक्टिव होता था इंडेक्स, बट यहाँ पे एन इफेक्टिव क्या है, मोड्स, तो लिख लीजिए एन इफेक्टिव मोड्स। ओके सो राइट डाउन, लिख लो, लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे एन इफेक्टिव इज डिपेंड्स ऑन मोड्स। सो ये डिपेंड करेगा कि आपका सिंगल मोड है कि मल्टी मोड है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके सो राइट डाउन, अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेता हूँ। सो राइट डाउन मैथमेटिकल एनालिसिस विद द कंसीडरेशन ऑफ फेज, मैथमेटिकल एनालिसिस में राइट डाउन, सिंस इन वेव गाइड जो मैं लिखा रहा हूं थोड़ा लिख लीजिएगा, सिंस इन वेव गाइड इट ट्रेवल्स नॉट ओनली विद द प्लेन, सिंस इन वेव गाइड इट ट्रेवल्स नॉट ओनली द प्लेन वेव बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोड्स ऑफ द वेव गाइड। आपने कैलकुलेट किया होगा EMD में मोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यस, याद रखिए कि किसी भी वेव गाइड में सिर्फ वो प्लेन वेव पे डिपेंड नहीं करता, उसके साथ जो मोड्स है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड दिस इज द चैम्बर, दिस चैम्बर इज बिहेव्स एज अ वेव गाइड। सो क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है और ये मूव कर रहा है और ये अपना हमारा ये मिरर है, अभी मैं दिखाऊंगा करके। सो राइट डाउन, सो डिस्टेंस ट्रेवल इनसाइड द चैम्बर with the consideration of phase. So आर्यन पूरा डिस्टेंस कितना था बेटू, 2L था। यस सर। अब इसके साथ ये एक चीज और आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, फेज। सो लिख लीजिए विद द कंसिस्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2L beta, बिकॉज हियर द बीटा इज द फेज। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू नॉट ओनली 2L बट 2L beta, लिख लीजिए। ओके नाउ नेट चेंज इन वन ट्रिप, नेट चेंज इन वन ट्रिप विद द कंसिडरेशन ऑफ फेज, विद द फंक्शन ऑफ फेज कैन बी रिटेन एज टोटल फेज, कितना चेंज हुआ देखो ध्यान से, π - π। तो टोटल जो फेज चेंज हुआ यहां पे π + -π, तो +π + 2β L, राइट। लेट अस अज्यूम दैट यदि मुझे एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए कि कैसा इसका नेचर होगा, तो मुझे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं राइट डाउन 2mπ, तो राइट डाउन 2mπ। ओके वेयर m इज इंटीग्रल वैल्यू। सो बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम राइट, यदि आप दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो लिख लीजिए बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, तो फेज का और इसको आप कंपेयर करेंगे, यदि आप फेज कांस्टेंट भी लेते हैं तो नाउ, क्योंकि 2π के बाद, 2π के बाद जो चेंज होता है, यहां से स्टार्ट करोगे पूरा 2π चेंज लोगे तो तुम उसी पोजिशन पे पहुंच जाओगे, सेम पोजिशन। सो दे विल नॉट इम्पैक्ट द इंटायर जर्नी। सो बेचारा सब कुछ सेम था उसका, लेकिन उसने बताया नहीं, सब कुछ किया था, सिर्फ ये बता देता कि 2π के बाद पूरा जो फेज चेंज है वो लगभग सेम होता है, उसी पोजीशन पर हो जाते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, लिख लीजिए बेटू 2β = 2mπ 2β के जगह पे मैं, हम लोग क्या लिखें, हम क्या लिखते हैं, बीटा का वैल्यू क्या है, 2π/λ इंटू एन इफेक्टिव इंटू एल इज इक्वल टू 2mπ, लिख लीजिए। सो
हमारे पास एल एल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम पाई बाई टू नीटा एसेट। सो फाइनल वैल्यू ऑफ एल एल इज इक्वल टू एम लेमडा बाई टू एन इफेक्टिव। सो दिस इज इक्वेशन एस, दिस इज इक्वेशन एस। ओके इतना तक ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आप ये सॉरी एम लेमडा होगा सॉरी एम लेमडा सॉरी एम लेमडा बाई टू एन इफेक्टिव। कट कर दू मैं, कट दू कट की आप लोग कर लोगे, टू से टू काट दो, पाई से पाई काट दो, लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम लेमडा बाई टू एन इफेक्टिव। सही है दीपाली, एल इजकल टू बेटा ये वैल्यू सही है बेटू बताइए, एम लेमडा बाई टू एन इफेक्टिव, क्या मैं सही लिखा हूं? हाँ सो नाउ केस वन, केस वन इफ इंटीग्रल वैल्यू एम इजकल टू वन एंड मोड इज ऑल्सो इक्वल टू वन। सो यदि इंटीग्रल वैल्यू एम इजकल टू वन ले लेते हैं और मोड भी वन ले लेते हैं तो एल का वैल्यू क्या होगा बेटू? लेमडा बाई टू होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? और एल इजकल टू लेमडा बाई टू का होगा होगा दीपाली, दीपाली ये सही है ना यहां तक? गरिमा यहां तक सही है बेटू? यस सर, यस सर। तो एल इजकल टू एल लेमडा बाई टू, तो एल इजकल टू लेमडा बाई टू का पैटर्न कैसा होगा बेटू? पैटर्न पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो कैसा दिखेगा लेमडा बाई टू का? यदि मुझे पैटर्न देखना है तो लेमडा बाई टू का पैटर्न आपने कोई किसी बांसुरी वाले को कंडीशन देखा होगा, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, और ध्यान से देखना देखा है ये सब पैटर्न गरिमा? यस सर, यस। सो जब आप ऑर्गन पाइप पढ़ा है, ऑर्गन पाइप? नो सर। नाइन टेन में पढ़ा होगा ऑर्गन पाइप साउंड वेव में, तो क्या होता है कि मेरी मेरी वीडियो दिख रही है ना थोड़ा, हाँ, तो उसमें उसमें हम क्या करते हैं, बांसुरी जो बजाता है तो वो आपकी ना इंटेंसिटी बढ़ती जाती है जब वो दोनों दोनों पिक एक जगह से मिलते हैं, जहां जहां ध्यान से देखना, जहां जहां ये पिक आएगा, जहां जहां पिक आएगा वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो आपको लगता है कि तो क्या कोई भी बजा सकता है क्या गरिमा? उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑर्गन पाइप की, देखा है इंटेंसिटी हाई करने के लिए। जब जब वो पिच मिलता है तो आपको उसकी बहुत ना पिच बहुत दूर तक सुना देती है और वो तो ना कानों में इतनी मतलब प्रेजेंट लगती है और इंटेंसिटी उसकी इतनी हाई है कि आपने सुना होगा कि यदि अच्छे यदि बांसुरी वाले हैं तो ग्लास को भी वो कर सकते हैं, क्रैश करवा सकते हैं, सुना है ये बात? ड्यू टू द इंटेंसिटी, ड्यू टू द कोहेरेंसी, हाउ दिस नेचर विल बी देयर। तो ध्यान से देखिएगा, यदि लेमडा बाई टू, लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई एट, नाम सुना है ना लेमडा बाई फोर, लेमडा बाई एट मैचिंग, मैचिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो ये लिखिए समझिए कि थ्रू दिस वे वी कैन जनरेट द पैटर्न, एंड इफ लेमडा बाई टू का जो जनरेट पैटर्न होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न। स्टैंडिंग वेव पैटर्न, स्टैंडिंग वेव पैटर्न कैसा होता है? सो they will move like this, they will move like this, है ना? तो अब डिपेंड करेगा कि lambda by 2 है, ये दो दो के बीच में है तो lambda by 2, दो दो और यदि बढ़ गया तो lambda by 4, lambda by 8, so this is the condition. So लिख लीजिए, conclusion is through this analysis, mathematical analysis, we have observed that the pattern of the feedback system is behaves as a standing wave pattern. स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्या होता है कांशा? कहीं पे भी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि उसमें पीक क्रेस्ट, पीक क्रेस्ट आता रहता है। समझ में आया कांशा? दिस इज ओके, यस सर, यस सर। दिस इज द फैंटास्टिक वे टू कंसीडर विद द फेज, आफ्टर द कंसीडरेशन ऑफ फेज यू कैन एबल टू टेल दैट यस
आपका जो विद द कंसेंट ऑफ लेजर कैन बी प्रोपगेट द इंटेंसिटी और फोन्स कैन बी प्रोपगेट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस. इसलिए एलईडी तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बट ड्यू टू दिस नेचर और एनसी नेचर स्टैंडिंग वेव पैटर्न नेचर लेजर कैन कम्युनिकेट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. मैंने बहुत बार बताया है एक लेजर मतलब एक सोर्स से हम 10K किलोमीटर तक हम भेज पाते हैं, उससे भी ज्यादा भेजते हैं बेटा बेसिकली. बट मैं बता रहा हूँ 10,000 किलोमीटर यू कैन ऑब्जर्व कि कितना ज्यादा बड़ा होता है और कैसे जा सकता है, क्योंकि डाई आउट नहीं होगा ना. वी हैव प्रूव दैट द नेचर इज बिहेव्स एज अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न. ओके नाउ उसके बाद एलईडी एंड लेजर के बारे में आपको कोई पूछे तो सिंपल है. क्या क्या दो तीन डिफरेंस बता दो. खुशी जैन प्लीज बताइए एक दो डिफरेंस जल्दी बताइए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना. तो लास्ट टॉपिक ऑफ द लेजर इज हाँ खुशी थोड़ा बता दो क्या क्या डिफरेंस हुआ फिर बेटू. सर स्पेक्ट्रल फिट सबसे पहले कि एलईडी में ज्यादा होती है और लेजर में कम होती है. सेकंडली डिजिटल डेटा के लिए हम लेजर को यूज करते हैं. और अभी अभी एलईडी में पीक ओवरशूट फिनोमेना हो जाता है. वेरी गुड. एंड सर थर्ड ऑन ऑफ डिले जो लेजर में है वो कम होता है और एलईडी में ज्यादा होता है. और अभी के कंडीशन में अभी जो मैंने फाइनल बताया है क्या कि कोहेरेंसी बहुत ज्यादा होती है इन द केस ऑफ लेजर एज कंपेयर टू एलईडी, राइट. यस सर. और फीडबैक लेजर आपको पूरा समझ में आ गया दोनों कंडीशन विदाउट फेज एंड विद द फेज. ओके नाउ लास्ट में एक मतलब दो मिनट लगेगा मुझे. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर. नाम लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर. तो डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर को बोलते हैं DFB, डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर, राइट. तो DFB बोलते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर में क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम थी इस फेज वाले में भी, तो हम क्या करते हैं, बहुत ईजी है. जो हमारा ऐसा सिस्टम था ना बेटू, ऐसा सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे एक पीरियोडिकली कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं बताता हूं मैं, और कुछ नहीं है. ये अपना मिरर था, तो यहां से जब गया और ये रिफ्लेक्ट होके कंसिडरेशन करने के बाद, तो जो हमारा इन्हांसमेंट मिला ना, तो हर एक कुछ कुछ पीरियोडिकली हम इसको यहाँ पे फंसा लेते थे. जो भी हमारा गेन मिला, गेन G1, G2 एंड G3, सो डिफरेंट गेन, ये पीरियोडिकली हम इसको यहाँ पे चैम्बर में उसको कैच करवा लेते थे, जिससे कि हमारा क्या रहे कि डेटा रेट जो रहे वो मेंटेन रहे, डेटा रेट मेंटेन रहे. सो डिस्ट्रीब्यूटेड नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लैग. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ये D1, ये डिस्टेंस G2 और ये डिस्टेंस 3, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर. मतलब क्या, फीडबैक के मेथड से आया हुआ है, इसलिए इसको फीडबैक मेथड बोलते हैं. और अलग अलग पीरियोडिकली मतलब टाइम T1, टाइम T2 एंड टाइम 3, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे हम इसको अलग अलग यूज के लिए हम ले सकते थे. सो राइट डाउन दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर. इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर इज अ टाइप ऑफ लेजर डायोड. डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर इज टाइप ऑफ लेजर डायोड और क्वांटम कैस्केड लेजर. कैस्केड मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक कैस्केड लेजर. फिर द एक्टिव रीजन ऑफ द डिवाइस This is the active region. ये पूरा जो है ये active region है. Active region where the active region of the device is periodically structured. Periodically मतलब मैंने बता दिया ये periodic T1, T2, T3. So periodically structured as a diffraction grating. The structure builds a one dimensional
इंटरफेस ग्रेटिंग, इंटरफेस ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब यहाँ कोई एरिया है उसको आपने अलग अलग ग्रेट ग्रेटिंग दिया है, और हमने T1, T2 एंड T3 पे ग्रेटिंग किया है। सो इसको इसको आप सिंपल आप इस तरह के ग्रेटिंग को हम बोलते हैं ब्रेक ग्रेटिंग, आपने लैब किया होगा 9th 10th में। सो दिस इज द ब्रेक ग्रेटिंग। सो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, द स्ट्रक्चर बिल्ड्स अ वन डायमेंशनल इंटरफेस ग्रेटिंग, द स्ट्रक्चर बिल्ड्स अ वन डायमेंशनल इंटरफेस ग्रेटिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रेक 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 स्कैटरिंग, ब्रेक स्कैटरिंग ब्रैकेट बंद, क्लियरली सीन, हाँ दिख रहा है कि दिस इज द यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड सीन, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रेटिंग प्रोवाइड्स, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रेटिंग प्रोवाइड्स ऑप्टिकल फीडबैक फॉर द लेजर, प्रोवाइड्स ऑप्टिकल फीडबैक फॉर द लेजर। इसका सबसे बोलो कि इसके साथ इसका एडवांटेज क्या है, तो याद रखिए दिस डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर कैन बी अप्लाई एट एनी एप्लीकेशन, एट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इसको आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। दिस इज द नो बेस्ड यू नो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद दिस डीएफबी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर इज यूज, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पॉइंट पे, और जो भी आपको यहाँ पे फीडबैक आया और गेन एम्पलीफाई हुआ G-G1-अल्फा, दिस इज G2-अल्फा, यहाँ पे G3-अल्फा, तो मैंने अलग अलग पॉइंट पे मैंने गेन निकाल लिया। जिस तरह का यूज होगा, जिस तरह के गेन की जरूरत होगी, वहां पर हम इसको यूज कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर का ये एडवांटेज है। ओके, नाउ वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एंड इसका नाम है बेटा, सो राइट डाउन सबसे जो लास्ट एजेंडा है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास तक मैं खत्म करना चाहूंगा इसको, सो दैट की आपके पास सबसे तो आई डोंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसको रेफर कर लीजिएगा, बट मैं मुझे मेरा काम है यहाँ पे भी बताना ऑप्टिकल रिसीवर। सो आज का टॉपिक है ऑप्टिकल रिसीवर। सो ऑप्टिकल रिसीवर में आप कभी भी पढ़ें तो दो तरीके चीजें ध्यान रखिएगा, एक को बोलते हैं पिन डायोड और दूसरा को बोलते हैं APN, एवांचे फोटो डायोड। तो याद रखिएगा कि आप जितने भी आप डायोड पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो दो चीजें आप जरूर अच्छे से आप कर लें, बाकी बाकी करें या नहीं करें उसका कोई है नहीं, राइट। तो ठीक है, एक तो एवांचे फोटो डायोड और एक का पिन डायोड, तो ये सब चीजें भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे क्या नेचर है, उतना करने की अभी जरूरत है नहीं। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि रिसीवर करता क्या है ना, बेसिक्स फंडा है। तो सबसे पहले हमारा कोई सिस्टम, हमेशा मैं बोलता हूं कि ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है। सो ट्रांसमीटर में सोर्स कौन कौन से हो गए, कितना कौन कौन से सोर्स हैं ट्रांसमीटर में, अभी पढ़ा है हमने, अभी खत्म किया है। ऑप्टिकल में कौन कौन से सोर्स है बेटू, जल्दी बताइए बेटू, है ना, वैसे इतना टाइम नहीं है ना, देख लीजिए कौन कौन से सोर्स है बेटू। सर एलईडी एंड लेजर। वेरी गुड, तो हमने क्या दोनों को डिटेल से पढ़ लिया बेटू। यस सर। चैनल में रेज मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज मॉडल, मटेरियल लॉस, डिस्पर्सन लॉस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज, एटोनेशन, सब के फाइबर सब हमने पढ़ा है, वो चैनल है। रिसीवर जो अभी हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, एलईडी लेजर में हम क्या, हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, जो भी हम बोल रहे हैं, राइट, उसको दैट इज ऑल आज इन एनालॉग नेचर, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे रिसीव करते हैं। बट ऑप्टिकल की बात करें तो यहाँ पे आप जितना भी आपने देखा होगा एलईडी लेजर जो भी है, वो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जो आप बोलते हैं उसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, वोल्टेज नेचर है, उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें बेटू, ऑप्टिकल फाइबर में करता है ना, ऑप्टिकल फाइबर मतलब चैनल जो है आपका ऑप्टिकल है।
सो लेजर एलईडी क्या करता था, क्या करता था, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता था, करता था दिग्विजय याद है, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्जन। यस सर। तो इलेक्ट्रिकल में भेजते थे और ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके चैनल में जा रहा है, वेरी गुड। रिसीव क्या करना चाहेंगे आप, इलेक्ट्रिकल भेजेंगे तो क्या रिसीव करना चाहेंगे, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल क्या रिसीव करना चाहेंगे? जो भेजेंगे सर इलेक्ट्रिकल भेजेंगे, जो भेजेंगे वही रिसीव करना चाहेंगे, बट मेरा जो रिसीवर है उसके पहले चैनल है ना, और चैनल में भी क्या है, ऑप्टिकल है बेटू। यस सर, यस सर। तो ऑप्टिकल को मुझे किस में बदलना पड़ेगा बेटू, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। तो अपना जो पिन डायोड है, फोटो डायोड है, ये फोटो डिटेक्टर, डायोड का नाम छोड़ो, फोटो डिटेक्टर क्या करता है तो लिख लीजिए, फोटो डिटेक्टर विल कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सबसे पहले यही लिख लीजिए, राइट। तो ट्रांसमीटर इंड पे इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, और रिसीवर इंड पे ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, पक्का क्लियर यहां तक, सही है ना बेटू दिग्विजय? यस सर, यस सर। हाँ, सो मुस्कान एज अ इंजीनियर, मुस्कान प्लीज अनम्यूट, एज अ इंजीनियर यदि मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस कलर का होता है और ऑप्टिकल सिग्नल किस कलर का होता है, कैसे क्या बताएंगे आप, बताइए जल्दी से, और रेफरेंस सिग्नल जल्दी से, हम प्लीज अनम्यूट मुस्कान जी। यस सर। मुस्कान शर्मा, मुस्कान शर्मा प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ मैम बताइए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस कलर का होता है, ऑप्टिकल सिग्नल किस कलर का होता है, और रिफरेंस सिग्नल किस कलर का होता है मैम? सर रेड ब्लैक ब्लू कलर के। नहीं, इलेक्ट्रिकल कौन सा सिग्नल होता है सर? रेड। सही है मैम, वेरी गुड। और ऑप्टिकल? ब्लू सर। रुको तुम, है ना ग्रीन सर, ग्रीन 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 ग्रीन। बेटा ऐसा नहीं, दिस इज नॉट गुड। सो एज इंजीनियर तब तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज ही नहीं हुआ। सो याद रखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ऑलवेज अ ब्लू। क्या सर पता है? यस सर। सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ऑलवेज अ ब्लू, ऑप्टिकल सिग्नल इज ऑलवेज ग्रीन, रेफरेंस सिग्नल ऑलवेज अ रेड सिग्नल, है ना? रेड, याद है, बताया हुआ है सब कुछ। सो प्लीज इस मोमेंट में राहुल, राहुल बेटा प्लीज अनम्यूट, राहुल जहांगीर, ट्रांसमीटर इन पे क्या कन्वर्जन करते हैं बेटू, रिसीवर पे क्या करते हैं? राहुल प्लीज अनम्यूट बेटा, है ना, टाइम कम है और मुझे थोड़ा सा पूछना भी है इसलिए, क्योंकि नहीं तो yes, हाँ राहुल बताइए, ट्रांसमीटर पे कौन सा कन्वर्जन बेटू, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल की ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल। वेरी गुड बेटू। और रिसीवर इन पे? ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे क्या यूज करते हैं ट्रांसमीटर पे? सोर्स, एलईडी, एलईडी और लेजर। वेरी गुड बेटू। और रिसीवर इन पे क्या करेंगे, फोटो, पिन डायोड और एपीडी। एपीडी, वेरी गुड। तो दो तरीके का यूज करते हैं, एक तो एपीडी यूज करते हैं या अच्छा था एपीडी ओटी, अभी फोटो डिटेक्टर यूज करते हैं, और उन दोनों में दो चीजें हैं, एपीडी या पिन। चलिए वेरी गुड, यहां तक सही है, अब आगे चलते हैं बेटू, राइट डाउन। तो पहला तो सबको क्लियर हो गया कि रिसीवर क्यों चाहिए, क्योंकि हमने भेजा था इलेक्ट्रिकल, हम इलेक्ट्रिकल ही रिसीव करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रांसमीटर पे हमने इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ एलईडी एंड लेजर, बट रिसीवर इन पे अब मुझे फिर से जो मैं बोलना चाहता हूँ वही वैल्यू रिसीव करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल भेजा था, इलेक्ट्रिकल ही रिसीव करना है, इसलिए हम लगाएंगे फोटो डिटेक्टर। तो राइट डाउन रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो डिटेक्टर, पहला जो मैं ऑलरेडी लेक्चर में भेज चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी लिख लो, बिकॉज यू नो मुझे थोड़ा सा सिलेबस भी खत्म करना है, तो हो जाएगा आराम से। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटो डिटेक्टर इज हाई सेंसिटिविटी, पहला जो प्रॉपर्टीज है फोटो डिटेक्टर का वो हाई सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि तो यदि थोड़ा सा भी वैल्यू यदि उसको टच करे तो हमारा जो पिन डायोड है वो उसको सेंस करके आउटपुट में बदले, आउटपुट दे, यदि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा तो आउटपुट ही नहीं देगा, तो सेंसिटिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा फास्ट रिस्पॉन्स, यस फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, यदि पीछे से कोई सिग्नल आ रहा है जल्दी जल्दी, यदि वो सिग्नल को ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो पीछे कोई सिग्नल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो सेकेंड वन इज द फास्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी, फर्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी, सेकेंड वन इज द फास्ट रिस्पॉन्स।
थर्ड वन इज द वाइड वेवलेंथ सपोर्ट, वाइड वेवलेंथ सपोर्ट, वाइड वेवलेंथ सपोर्ट। हाँ मुस्कान जी बताइए, वेवलेंथ कहां से कहां होना चाहिए सपोर्ट? मुस्कान शर्मा प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ वेवलेंथ कहां से सपोर्ट होना चाहिए ऑप्टिकल में? बताइए कहां से कहां स्टार्ट होता है विंडो, कहां से कहां स्टार्ट होता है मैम? सर 1200। रुको तुम, रुको 850 नैनोमीटर से 1650 नैनोमीटर है ना, तो लिख लीजिए वाइड वेवलेंथ सपोर्ट 850 नैनोमीटर। कौन सा विंडो है मुस्कान? यस सर। 850 नैनोमीटर कौन सा विंडो? विंडो वन। हाँ और विंडो टू कितने पे? टू सेकंड विंडो 1250। हाँ मैम मतलब आप ही बोल रही है ना, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है मैम, प्लीज ऐसे मत बोलिए। अच्छा ये बताइए सुकृति महाजन मैम, किस विंडो पे मेटल डिस्पर्शन जीरो हो जाता है मैम? सेकंड विंडो पे। कितने वैल्यू पे? 1250। 1310 नैनोमीटर या 1270 है ना? ओके हाँ ठीक है वेरी गुड। चलो कुछ तो बताया तुमने। हाँ तो वेवलेंथ सपोर्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए बेटू, लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ, ये सिंपल है। एंड लास्ट लिख लो कंपेटेबल विथ ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर, कंपेटेबल विथ ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर राइट। बाकी चीजें मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। ओके नोट, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, लिख लीजिए। फोटो डायोड पहला, फोटो डायोड कहीं भी दे तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, फोटो डायोड कहीं पे आपको फोटो कंडक्टर बोले तो भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो द फर्स्ट वन इज द फोटो डायोड, सेकेंड इज द फोटो कंडक्टर, एंड समटाइम्स दे विल ऑल्सो रिटेन एज अ फोटो मल्टीप्लायर राइट, फोटो मल्टीप्लायर। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, द फोटो डिटेक्टर कैन बी ऑल्सो नोन एज फोटो डायोड, फोटो कंडक्टर एंड फोटो मल्टीप्लायर। ओके समटाइम्स यू नो इन डिफरेंट एग्जाम, गेट एग्जाम आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ यदि आपको नाम अलग कर दिया तो कंसेप्ट अलग नहीं हो जाएगा, ऑल आर सेम। ओके नाउ एक जो मुझे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी इस ग्राफ को समझने में, बट मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, बहुत ईजी है, बट आप जब ग्राफ देखेंगे डायरेक्टली तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है वो राइट। थर्ड कंसेप्ट रिलेटेड टू फर्स्ट कंसेप्ट मैंने ये बताया कि फोटो डिटेक्टर इज नथिंग बट दे विल हेल्प टू कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कन्वर्टेड सिग्नल टू ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वन डिफरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद फोटो डिटेक्टर्स, बहुत सारे वेवलेंथ, बहुत सारे मतलब तीनों विंडोज को सपोर्ट होना चाहिए उसका, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होना चाहिए, एंड नो डाउट लॉन्ग लाइफ, ये सब चीजें थियोरिटिकल चीजें हैं। मैं जो तीन जो प्रॉपर्टीज है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके जो थर्ड प्रॉपर्टीज है जो हर एक मेटेरियल का डिफरेंट मेटेरियल्स का है वो हम देखने वाले हैं। सो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डिटेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं पेन का साइज बदलता हूं, अदरवाइज नहीं बता पाऊंगा। सो पहले कलर भी बदल दे, अच्छे से बनाइएगा प्लीज। ओके एक्स एक्सिस पे लिखिए वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे लिखिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नहीं होता शायद, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी बेटा यहां पे इंटेंसिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर ई एस पी ओ एन
CITIBITY रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट, वाई एक्सिस पे लिखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट, ऐसा करके लिखिए ओके। एक्स एक्सिस पे लिखिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में आपको मैंने हमेशा बताया है, कभी भी जिंदगी में याद रखिए, यदि आप ऑप्टिकल की बात करें तो आप नियर अबाउट 0.850 की बात करें है ना, फिर आपने सबको पता है 1350 या 1250 वाला रखें या 1.1650 वाला रखें, यही रखते हैं बेटू है ना, सबको पता है। और यदि 1 पॉइंट में है यानी माइक्रोमीटर में है, यदि आप नैनोमीटर में लिखना चाहते हो डायरेक्टली लिखें, जो आपको याद रहे वही लिखे बेटा है ना, 1650 बस ऐसे भी लिख दे, नैनोमीटर 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 राइट। माइक्रोमीटर बुक में दिया होता है तो थोड़ा सा हमें फॉलो करना पड़ता है कि कहीं बच्चा कल जाके कंफ्यूज ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, वेवलेंथ यू नो दैट फर्स्ट विंडो सेकेंड विंडो एंड थर्ड विंडो, कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। नाउ तीन तरह का मेटेरियल्स है बेटू लाइफ में, जो हमेशा आप चाहे आप मेटेरियल साइंस कभी भी पढ़ेंगे एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और यदि ऑप्टिकल की बात करें सो दो चीजें आप हमेशा याद रखें, एक तो होता है एलॉय वाला और एक होता है आपका डायरेक्ट बैंड गैप वाला, वो सभी मैंने बताया हुआ है। तो कंफ्यूजन क्या है, तो पहले वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लीजिए बेटू, परसेंटेज में लिख लीजिए प्लीज, तो मैं कलर अलग यूज करूंगा जैसे कि थोड़ा सा इजी पड़े। और आज ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से पढ़ने का बिना कि इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि क्या है हमें भी नहीं पता, मुझे तो बहुत टाइम लगा था इस ग्राफ को समझने में, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी है ग्राफ बट कंफ्यूज मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है हर जगह जहां भी रिप्रेजेंटेशन है, क्यों तो कंफ्यूज हो गया मैं वो भी बताऊंगा। तो दिस इज ओके, सो तीन तरह का ग्राफ खींचूंगा मैं, वन ग्राफ इज नियर अबाउट यू नो 60% एक ऐसे मैं अलग कलर यूज करता हूं जैसे कि आपको जल्दी वर्क ना कंफ्यूजन हो। थर्ड लाइन ले लेता हूं मैं, ब्लू वाला लेता हूं, ओके। अब क्या किया है इसके ऊपर ना बहुत सारे डॉटेड लाइन चढ़ा दिए गए, डॉटेड लाइन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जड़ है, बट ठीक है मुझे भी चढ़ाना पड़ेगा दिखाने के लिए, बट कुछ नहीं है इसमें। सो आई विल मार्क फॉर द कलर हियर, ध्यान से देखिएगा, दिस रेड रेड ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ सिलिकन, दिस द ग्राफ इज फॉर जर्मेनियम, दिस ब्लू इज फॉर देख लीजिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इंडियम गैलियम आर्सेनाइड राइट। नीलकमल प्लीज अनम्यूट। यस सर। तो इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज कीजिए और बताइए क्या है, तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, सिलिकन यानी आपको लो वेवलेंथ में काम करना है, फर्स्ट विंडो 800 तो सिलिकन, यदि आपको थर्ड विंडो सेकेंड टू थर्ड विंडो काम करना है जर्मेनियम, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे सिलिकन में नियर अबाउट 60% हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छी है फास्ट है अच्छी है परसेंटेज में, ये परसेंटेज है ना, तो ये 0.6 मतलब 60% है, और जर्मेनियम में आपका वेवलेंथ तो मतलब दूसरे विंडो हायर वेवलेंथ में तो काम करता है, बट यहाँ पे क्या कम हो गया है बेटू, थोड़ा सा 50% के आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, लेकिन इफ यू वांट टू कम्युनिकेट इन द फर्स्ट विंडो टू थर्ड विंडो और एफिशिएंसी भी नियर अबाउट 90% से ज्यादा, तो मुझे कौन सा विंडो क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कभी कि इस तरह के मटेरियल को कौन सा बोलते हैं बेटा, कौन सा मटेरियल बोलते हैं इस तरह के मटेरियल को, ये मेरा क्वेश्चन है, इस तरह के इंडियम गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकन जर्मेनियम इन तीनों टाइप के डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं, सोचिए बताइए, और नहीं तो मुझे कोई और भी बताना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं।
मुस्कान गुप्ता प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ कौन सा मटेरियल बोलते हैं बेटू, थोड़ा सा बताइए, हाईलाइट कीजिए। सर किसको? इंडियम गैलियम आर्सेनाइड को और सिलिकम और जर्मेनियम, इन दोनों में अंतर क्या है? सर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करूं कुछ समझ नहीं आता मुझे। कौन बताना चाहेगा? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिंपल सर वो प्रोसेस डायरेक्ट। यस बेटा दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ से इस ग्राफ से क्या प्रूफ हो रहा है? अच्छा वकास आ गए, आई थॉट कि इंटरनेट वाज नॉट देयर तो इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड किया था अभी पूरा सब कुछ। सर मेरा स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो रहा था बहुत बार। ठीक है तो तुम देखा आपने अभी तक जो पढ़ाया सही है? बिकॉज आई वॉज नॉट टच विथ दैट। अभी तक जो पढ़ाया समझ में आया ना? यस सर समझ में आया। तो यहाँ पे फिर से प्रूफ हो रहा है वकास कि जो हमारा डायट बैंड गैप है मटेरियल दैट इज अ better as in the in the in the case of your channel of conditions and as well as the in receiver condition also. So yes, आपको तो आप कैसे करेंगे as a engineer, आप कैसे चूज करेंगे materials का? यदि मुझे सिर्फ first window में काम करना है efficiency भी काम चाहिए silica जो के, यदि मुझे second and third window में काम करना है efficiency थोड़ी कम से चलेगी that means जो के germanium जो के, but यदि मुझे यदि तीनों बैंड में काम करना है तो और मुझे अच्छी एफिशिएंसी भी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए तो उस कंडीशन के लिए वी विल ऑलवेज प्रेफर द द डार्ट बैंड गैप मटेरियल्स। ओके सो आई थिंक दिस इज ओवर। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट एजेंडा की तरफ। राइट ऑन राइट ऑन द क्वेश्चन इज कि इफ देयर इज अ फोटोन सॉरी Let us assume that, मैंने सारे lectures बना दिए हैं आप उसको refer कर लीजिएगा but यहाँ पे lectures recorded और real time का बात अलग होता है। So let us assume that ये photon है और यहाँ पे आपका light आ रहा है optical और optical को ये convert कर रहा है electrical electrical में but the question is how the light is absorbed on this photo detector and they will convert in the electrical energy, right? Sorry, electrical signal. So that is really important. So the write down, the question is the light absorption phenomena, light, so title ka naam hai, light absorption phenomena takes place inside the photo detector. वो मैं आपको अभी शो करूंगा राइट, मैथमेटिकली भी बताऊंगा और इससे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर गेट में। सो देख लीजिएगा कि गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्या रिलेशन था मैं बताऊंगा क्या रिलेशन में पूछा था। तो एज फॉर गेट इज डिफरेंट थिंग और सब कुछ जो भी हो बट एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर यू शुड नो एटलीस्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यू शुड नो एनालॉग एंड डिजिटल एंड थर्ड वन इज द वायरलेस। पता नहीं वायरलेस आप लोग को है कि नहीं है, किस लेवल पे है वो मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ IoT पढ़ाया है तब जाना हूं मैं। सो ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वी विल सी द कंस्ट्रक्शन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके तो देखते हैं कि क्या है। सो लेट अस अज्यूम दैट मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा बिकॉज आई नो दैट कि सबका अभी इंटर्नशिप भी चल रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट योर सिलेबस बाई इन द नेक्स्ट क्लास, हो सकता है नेक्स्ट क्लास 2 घंटे की भी चले, कल नेक्स्ट क्लास में हम कम्प्लीट कर देंगे पूरा रिसीवर। और उसके बाद मैं इन द मीन बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, मैं लैब के 8 लैब के 10-10 मिनट के वीडियो बना के आपको भेज दूंगा बट लैब का हम एग्जाम लेंगे 2 से 11 के बीच में, देखते हैं कि कब हमें रिजल्ट सबमिट करना है। और मैं पहले आपको भेज दूंगा, आप एग्जाम दे दें, उसके बाद 2-3 दिन में आप करें उसको और उसके बाद आप राइट अप, मैं उसका प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या क्या मार्क्स का क्या प्रोसीजर होगा और क्या ऑप्टी सिस्टम आप फिर से अपना सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें बट हार्डवेयर अभी मैं हार्डवेयर बताऊंगा 8 लैब का एक करके। तो मैं 10-10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, आप पहले देख लीजिएगा और सब एक बार मैं सब कुछ रिपीट कर दूंगा एक दिन में, एक दिन राइट।
सो अभी आप उसकी चिंता ना करें, आप पहले अपना एग्जाम अच्छे से दे लें और जिन और इरिक्शन पे फोकस करें. ओके सो आगे चलते हैं. सो व्हाट आर द कंडीशन, सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल इज ऑलवेज हेयर इज द ग्रीन. ग्रीन मतलब ऑप्टिकल, राइट. अब यहां से लेट अस अज्यूम दैट ये पिन डायोड है. लेट अस अज्यूम पिन डायोड गया. अब इसका इनसाइड जो चैम्बर है उसका कैसा नेचर होता है वो मैं बता देता हूं आपको. सो इनसाइड द चैम्बर लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं. सो लेट अस अज्यूम द पावर, इंसिडेंट पावर जो कोई सिग्नल है, राइट. सो दिस इज द पी जीरो. तो ये कोई सरफेस हार्ड सरफेस है. तो क्या होता है वकास, किसी हार्ड सरफेस से यदि लाइट टकराती है तो कुछ लाइट क्या होती है बिटू? कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है. कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है. और यदि रिफ्लेक्ट पावर रिफ्लेक्ट होती है उसको यदि मैं किसी कोएफिशिएंट से मेजर करना है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. तो लिख लीजिए. नाउ यदि कोई हार्ड सरफेस है और यहां से पावर रिफ्लेक्ट होगी तो इस बात को मानते हो बेटा कि ये पहले तो कॉन्स्टेंट रहेगी, धीरे 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 डिक्रीज करती जाएगी एट द डिस्टेंस. कोई ये डिस्टेंस एक्स के साथ ये क्या होगा, पहले तो कांस्टेंट रहेगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी. मानते हो ये, इसको बोलते हैं जर्नी इनसाइड द, जर्नी इनसाइड द जंक्शन. जर्नी इनसाइड द जंक्शन. तो इस जंक्शन पे पीएन ऐसे है, अपना पीएन जंक्शन है बेटा. अब पीएन जंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं पिन में, उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं. वो मैं बात बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में. मैंने वीडियो तो भेज दिए आपको, उसको आप पढ़ लीजिएगा. बट यहाँ पे तो लेट अस अज्यूम दैट दिस स्टार्ट जर्नी, दिस इज द स्टार्ट जर्नी एंड दिस लेंथ इज एक्स जीरो. और ये कहां तक जा रहा है, एक्स तक जा रहा है. दिस द पी जीरो. पी जीरो यहां से गया, पावर टकराएगा तो कुछ लॉस होंगी. तो लिख लीजिए लेट अस अज्यूम दैट कोई जो मेरा ये फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है. सो एलिमेंट्री मेथड से मैं कोई डिस्टेंस ले लेता हूं dx. लिख लीजिए dx. एंड ये क्या हो रहा है, वैल्यूज कैसे डिक्रीज हो रहा है बेटू, कॉन्स्टेंट होके एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है. सो लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल डीके. सो इनसाइड द चैम्बर आकांक्षा दिख रहा है बेटू जो मैं बता रहा हूं? यस सर. हाँ देखो, कोई सरफेस है बेटा स्ट्रॉन्ग, तो कोई लाइट जाएगी तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट बैक करेगी कि नहीं करेगी, पहले ये बता दो. हाँ जी सर करेगी. तो ये बैक हो गया और पहले बहुत पावर में था तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो नो डाउट उसकी एक्सपोनेंशियली डीके करने लगेगी. हाँ जी सर. और जो रिफ्लेक्शन हमारा जो रिफ्लेक्टिव ऑफ द पावर कॉन्स्टेंट है वो हमने इसमें लिख दिया है आर. आर हमने ले लिया वैल्यू. ओके अब हम चलते हैं आगे. तो राइट डाउन पावर एब्जॉर्ब इनसाइड द मटेरियल इज, लिख लीजिए ऑफ पिन डायोड या फोटो डायोड जो भी है, जो भी लेना चाहे, कैन बी कैलकुलेटेड एज पी जीरो. लिख लीजिए पी जीरो. पी जीरो के साथ यहां पे ये रिफ्लेक्ट कितना हो गया, आर पी जीरो, राइट. रिफ्लेक्ट कर गया पावर पी जीरो इंटू आर. सो पी जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी जीरो माइनस आर पी जीरो, राइट. तो पी जीरो यदि तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वन माइनस आर आएगा. आएगा आकांक्षा? यस सर. कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस आ जाएगा, पी जीरो इंटू वन माइनस आर. तो मैं लिख लेता हूँ वन माइनस आर. और क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली, क्या हो रहा है बेटू, डीके हो रहा है ना. एक्सपोनेंशियली जो है वो वैल्यू डीके हो रहा है, राइट. सो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है तो हो जाएगा लेट अस वन माइनस ई पावर माइनस डी एक्स. वन इज द मैक्सिमम वैल्यू से वो डीके हो रहा है. सो फाइनल वैल्यू ऑफ, देख लीजिए फाइनल पावर, पावर एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द मटेरियल इज कैन बी कैलकुलेटेड एज पी जीरो वन माइनस आर इंटू वन माइनस ई पावर माइनस डी एक्स. डी एक्स मतलब एलिमेंट्री मैंने लिया है और डीके मतलब एक्सपोनेंशियल डीके है, इसलिए ई पावर माइनस डी एक्स. सो द फाइनल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, लिख लीजिए कोई
पावर एब्जॉर्ब इनसाइड द मटेरियल इज सृष्टि शर्मा रोल नंबर 56 बिटू प्लीज अनम्यूट यस सर बिटू सही लिख रहा हूं मैं यस सर सो दिस इज द पावर एब्जॉर्ब इनसाइड द मटेरियल इज लुक लाइक दिस सो प्लीज राइट डाउन यहां तक लिख लीजिए Okay. Now, after this, the last agenda of today is the parameter associated with फोटो डिटेक्टर यदि कोई फोटो डिटेक्टर की प्रॉपर्टीज आपको निकालनी है कि वो कैसा है तो उसका आपको पैरामीटर देखना पड़ेगा और उसके जो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं ऑफ द फोटो डिटेक्टर इज फर्स्ट वन इज प्लीज राइट डाउन पहला जो लास्ट गेट में पूछा था फोटो करेंट सो पहला जो पैरामीटर है फोटो डिटेक्टर का वो है फोटो करेंट दूसरा है रिस्पॉन्सिटिविटी जो अभी निकाला हमने रिस्पॉन्सिटिविटी ऑफ मटेरियल एंड थर्ड वन इज नोन एज क्वांटम एफिशिएंसी तो लिख लीजिए कोई भी फोटो डिटेक्टर का आपको यदि आपको बिहेवियर ट्रैक करना हो तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं दैट इज फोटो करेंट दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड थर्ड है क्वांटम एफिशिएंसी So these three parameters is really important for the behavior of the photo detectors, right? Okay. So पहला हम देखते हैं photo current. उसके बाद मैं छोड़ दूंगा. दूसरा और तीसरा property कल से start करेंगे. पहला property से start करेंगे कल. कल के class में. और कल class में आकांक्षा अभी okay record हो रहा है. उसके बाद में last में पूछ लूँगा आपसे. It is possible कि मैं कल morning में थोड़ा सा ले लूँ class. ओके सो राइट ऑन पहला ले लीजिए फोटो करंट तो फर्स्ट इज फोटो करंट तो फोटो करंट कैन बी कैलकुलेटेड कल मैं प्रूफ भी बता दूंगा बट अभी लिख लीजिए तो चार्ज क्यू बाई एच म्यू इंटू अभी जो मैंने लिखा है 1 - R × 1 - e^(dx)P0 माइक्रो एम्पियर आप देखेंगे तो तुरंत आप भी निकालेंगे बट अभी लिख लीजिए कल के क्लास में आपको मैं पूरा बताऊंगा ओके एच म्यू इज द नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फोटोन राइट एनर्जी ऑफ सो फोटो करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज ये तो मैंने अभी बताया आपको 1 - R × 1 - ये अभी बताया ना बेटू आकांक्षा ये मेरा वैल्यू अभी है ना यस सर जो मैंने बताया आपको पावर एब्जॉर्ब और ये इसके साथ चार्ज बाय एनर्जी एनर्जी मैंने अपने लेक्चर में बताया भी है बट मैं फिर से रिपीट करूंगा कल सो फोटो करंट यू कैन एबल टू कैलकुलेट सो ओके क्योंकि बहुत ज्यादा मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि टू वे इंस्ट्रक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट तो एक ही दिन में मैं चाहूंगा कि सब कुछ खत्म कर दूं तो नॉट ओके बट टुडे वी विल सी हाउ द कोहेरेंसी कैन बी मेंटेन इन द फीडबैक लेजर सिस्टम एंड ऑल्सो the characteristics of the photon characteristics of the photo detector karta kya hai as engineer aap kaise usko detect kar payenge aur jo teen parameter hai that is really important in teeno parameter ke bare mein aap hamare lecture se padh lijiye kal main isko brief karunga uske baad hum circuit analysis karenge pin diode ka bahut easy hai pn diode se pin diode uske baad sirf ek cheez bachegi hamara small signal analysis of the photo detector एंड WDM राइट तो WDM के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा जैसे कि आपको पूरा कंफर्टेबल हो जाए पूरे सिस्टम के लिए